खामोशी एक ऐसा इलम है जिसे इख्तियार कर लेने से इंसान को कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। किसी लड़के के किरदार को देखना हो तो उसके बाप को देखो, और किसी लड़की के किरदार को देखना हो तो उसकी माँ को देखो। रिस्क औरत के नसीब से आता है और औलाद मर्द के मुकद्दर से, इसीलिए रिज़्क के लिए मर्द ना बदलो और ना ही औलाद के लिए औरत। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी वो होता है जिस पर औरत मुकम्मल एतबार करे। अकलमंद इंसान कभी भी उस जगह वापस नहीं जाता जहां कभी बिला वजह उसे जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा हो। दूर का पानी करीबी आग को नहीं बुझा सकता। अकलमंद आदमी अपने फैसले खुद करता है, लेकिन जाहिल आदमी लोगों की पैरवी करता है। एक खरगोश भी काटता है जब उसे घेर लिया जाए। उस महल से जहाँ कोई रोता हो वो झोपड़ी बेहतर है जहाँ कोई हंसता हो। सब्र एक कड़वा पौधा है, लेकिन उसका फल मीठा है। लोगों को ठीक करने की तैयारी करने से पहले तीन बार अपने घर के इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं। एक मुस्कुराहट आपको मज़ीद 10 साल की ज़िंदगी देती है। अंदाज़ा लगाना सस्ता है, लेकिन गलत अंदाज़ा लगाना महंगा साबित हो सकता है। गुस्से के एक लम्हे पर सब्र करोगे तो सारी ज़िंदगी के गम से बच जाओगे। एक सतून ख्वाह कितना ही बड़ा हो, अकेले पूरे घर को सहारा नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजारें, तो उन्हें थोड़ी सी भूख और थोड़ी सी सर्दी का सामना करने दें। जिसने आपको गलत साबित करने का ठान लिया है, वो आपको गलत साबित करके ही रहेगा, ख्वाह वो खुद अंधा क्यों ना हो। गुस्सा एक ऐसा इलम है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए ही जन्म लेता है। आइंदा गलतियों से बचने के लिए पिछली गलतियों से सबक ज़रूर हासिल किया करें। ऐसी कोई लड़ाई ना लड़ो जिसमें तुम्हें जीतने का यकीन ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। पहाड़ कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, सूरज को रोक नहीं सकता। बेइज्जती करने वाले शख्स से लड़ाई के बजाय उसका जवाब इतनी इज्जत से दे कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जो अपने हर कदम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो हमेशा एक टांग पर ही खड़े रहते हैं। थोड़ी सी बेसब्री बड़े मंसूबों को ख़राब कर देती है। जो आदमी छोटी छोटी मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। 100 बार इनकार एक झूठी हाँ से बेहतर है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत की दलील है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो।